हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं माता शाकुंभरी शक्तिपीठ, जो उत्तर प्रदेश राज्य में सहारनपुर के उत्तर में 40 किलोमीटर की दूरी पर जसमोर गांव के क्षेत्र में स्थित है। वैसे तो शाकुंभरा माता चौहान वंश की कुलदेवी है, लेकिन माता को अन्य कई धर्म और समाज के लोग भी पूजते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने ब्रह्मा के चारों वेद चुरा लिए थे और अकाल पड़ गया था और काफ़ी लोगों की मृत्यु होनी स्टार्ट हो गई थी, तब माँ दुर्गा का रूप माँ शाकुंभरी देवी ने में अवतरित हुई। जिनके 100 नेत्र थे उन्होंने रोना शुरू किया और रोने से आंसू निकले और इस तरह पूरी धरती में जल प्रवाह हो गया। अंत में माँ शाकुंभरी ने माँ दुर्गा और माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन से पहले हमने दर्शन किए बाबा भूरा देव के, और बाबा भूरा देव से हमने स्टार्ट की अपनी ट्रैवलिंग टूवर्ड्स शाकुंभरी देवी टेंपल। उस टाइम भीड़ बिल्कुल नहीं थी, अर्ली इन द मॉर्निंग। आप रोड ट्रिप देख सकते हो। उसके बाद हम सीधे का मौका मिला। पूजा अर्चना करने के बाद हम सीधे पहुंचे माता मनसा देवी टेंपल, जो एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। और रास्ते में बहुत सारे बंदर हैं, और यहाँ जाने से पहले थोड़ा बंदरों से सावधान रहें, क्योंकि वो खाने पीने की चीजों को छीनते हैं। सबसे पहले हमने जो दर्शन, उसके बाद हमने भैरव देव बाबा के दर्शन किए, श्री भैरव बाबा जी के, उसके बाद और फिर माता मनसा देवी के। और यहाँ पर एक वृक्ष भी है जिसपे धागे बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे धंधा बनाया हुआ है, 10 रुपये लेते हैं धागा बांधने से। और ये पेड़ भी पूरा सूख चुका है, क्यों? क्योंकि ना तो ये ऑक्सीजन दे सकता है और ना कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है। उसके बाद बच्चा पार्टी ने की शॉपिंग।